एक तरफ सरकार कहती है कि सबर जातियों को बचाना है, इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं लाई गई है, लेकिन आज भी उनके पास पीने का पानी नहीं है। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत प्रखंड पटमदा बांसगढ़ सबर टोला में कई वर्षों से पेयजल की गंभीर समस्या है। लोगों को गंदे नाले का पानी पीना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने से क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। भाजपा नेता विमल बैठा ने कई बार इसे लेकर आवाज उठाई है। वहीं आज पटमदा अंचल अधिकारी के पास जाकर बीडीओ को आवेदन देकर इस बारे में पूछा तो बीडीओ ने कहा कि जल्द से जल्द बोरिंग और रिंग कुआं का काम कराया जाएगा। बीडीओ ने भी स्थिति की जानकारी ली थी और जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 130 वर्षों से आज भी बांसगढ़ सबर टोला के लोग गंदे नाले की पानी पी रहे हैं। इसके लिए लगातार अंचल को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, मगर अभी तक कोई प्रयास नहीं हो पाया है। इस कारण आज फिर हम लोग वीडियो मैडम को गुहार लगाने के लिए आए हैं कि वहां पर बोरिंग या रिंग कुआं का व्यवस्था किया जाए, जिससे वहां के जो ग्रामीण हैं, जो सबर टोला के सबर जाति के लोग हैं, वो बेहतर पानी उनको उपलब्ध हो पाए। नहीं तो वो लोग नाला का पानी पी रहे हैं, स्थिति बहुत ही ख़राब है। इस पर जल्द से जल्द अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कल ऐसा गंदा पानी पी के वो लोग अस्वस्थ भी हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस कारण आज हम लोग वीडियो मैडम से मिलने के लिए आए हैं और इससे पहले भी हमने आवेदन दिया था। अब उस पर कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ, वही आज जानकारी हम लोग लेने के लिए आए थे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।